उन्हीं क्या स्टोरी बताई जाती है। इफ आई गिव यू 2 mangoes एंड इफ रमेश गिव्स यू 2 mangoes, हाउ मेनी मैंगोज यू हैव? तो छोटा बच्चा बोलता है 5 mangoes। फिर गुस्सा आ जाता है टीचर को, अरे इफ आई गिव यू 2 mango, इफ योर फ्रेंड गिव्स यू 2 mango, देन हाउ मेनी मैंगो यू विल हैव? बच्चा फिर से कॉन्फिडेंटली बोलता है 5 mango। मैडम चेक करने के लिए खाली एग्जाम्पल चेंज करती, बोलती इफ आई गिव यू 2 pen एंड इफ योर फ्रेंड गिव्स यू 2 pen, देन हाउ मेनी पेन यू विल हैव? तो बोलता है 4 pen। फिर बोलती इफ आई गिव यू 2 notebook, इफ योर फ्रेंड गिव्स यू 2 notebook, हाउ मेनी नोटबुक यू विल हैव? 4 notebook। If I give you 2 banana, if your friend gives you 2 banana, then how many bananas you will have? 4 bananas। But if I give you 2 mango, then if your friend gives you 2 mango, तो बच्चा फिर से बोलता है 5 mango। टीचर बोलती है अरे तुम समझ रहे हो ना क्या बोलनी चाहिए? ऐसा बार बार करती हो। फिर एक बार वो शाउट करती है, बोलते कि why don't you understand, if 2 plus 2 is equal to 4, it should be 4 all the time। वो भी बच्चा चिल्ला के ही बोलता है रिप्लाई में, यस मैम 2 plus 2 is equal to 4, आई नो दैट, आई गिव यू सो मेनी टाइम्स राइट आंसर, बट 2 plus 2 plus 1 is equal to 5, नो आई हैव 1 mango विथ मी ऑलरेडी, इफ यू गिव मी 2 देन ही गिव मी 2, देन आई ऑलरेडी हैव 1, देन इक्वल टू सी दिस 5 mangoes आर देयर, नो। तो डोंट अज्यूम दैट यू विल बी राइट ऑल द टाइम। अज्यूम मत करो कि तुम ही महान हो, तुमको ही सर्वज्ञान है, तुम्हारा ही मैथ्स ठीक है। कभी कभी सामने वाला भी राइट हो सकता है, जो आपको नहीं पता वो चीज जो उसको पता है। तो आपको लग रहा है कि सामने वाले ने चोरी की है, लेकिन ऐसा हो सकता है कि शायद उसने चोरी नहीं की है।